मकबूजा कश्मीर में जुल्म का अंधेरा छाए हुए 212 रोज हो गए। मुसलसल लॉकडाउन के बाद सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। तालीमी और तजारती मराकज बंद हैं, खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत बरकरार है, जबकि घरों पर छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला 212 रोज से जारी है। मुसलसल लॉकडाउन के बाद सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वादी में प्रीपेड मोबाइल, SMS और इंटरनेट सर्विस का हाल मौतल है। कारोबार बंद, स्कूल और सरकारी दफातर तलबा और अमले से खाली हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। दूसरी जानिब चप्पे चप्पे पर भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तायुनात होने से वादी छावनी में तब्दील हो चुकी है। काबिज फौज खवातीन की इस्मत दरी बच्चों, बूढ़ों और जवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में तशद्दुद का निशाना बना रही है। अब तक हुर्रियत रहनुमाओं समेत सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बढ़ते जुल्म और सितम से वादी कश्मीरियों की आहों और सिसकियों से गूंज रही है। पांच अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले भारतीय आईन की आर्टिकल 370A को खत्म करके मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज किया था, जिसके बाद मोदी सरकार को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना है। ताहम भारत हठधर्मी बरकरार रखे हुए है।